नमस्कार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और बड़ी खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ के हालात की बात कही गई है तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे। कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किए गए, अब हालांकि खोलने का काम भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, जहां आपको बता दें कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसकी वजह से भारी बारिश की वजह से बाधित हैं। वहीं यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की दिक्कतें। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं उत्तराखंड में बाढ़ जैसे हालात हैं तो और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। चंद्रमणि, यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, हालांकि सवाल ये कि प्रशासन के द्वारा किस तरह की तैयारी इस पूरी स्थिति को लेकर? जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं उनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा और उसका कारण लगातार हो रही बारिश है। वहीं अगर बात करें जो पहाड़ों पर बारिश हो रही, उसका भी असर दिख रहा है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। वहीं यमुना का जल स्तर बढ़ा है। वहीं अगर बात की जाए हिंडन नदी की, तो हिंडन नदी का भी जल स्तर बढ़ा है और तमाम इलाकों में देखा जा रहा है, जहाँ पर आबादी वाले इलाके हैं सहारनपुर में, ऐसा देखा जा रहा है कि घरों में पानी घुस रहा है, लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार पूरी जो बाढ़ के हालात हैं उनकी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो अधिकारी हैं, जो राहत कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए जो जिला स्तर, जो प्रशासन स्तर और जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी भागीदारी से इस जो हालात हैं, जो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो रहे हैं, उनसे निपटने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि प्रशासन ऐसे समय पर अलर्ट रहे। अब चलिए उत्तराखंड का भी हाल जान लेते हैं। अभिषेक देहरादून से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देहरादून में और पूरे उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में किस तरह की स्थिति, तैयारी किस प्रकार की प्रशासन की? देखिए, लगातार बारिश के कारण जहां तक स्थिति की बात है तो स्थिति बहुत ही बदतर है, और खासतौर पे जो मैदानी इलाके हैं, हरिद्वार के जो नीचे तराई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर जो हालात हैं वो और भी बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। दरअसल दिक्कत ये है कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ पहाड़ों में जो है लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड वगैरह इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब तक करीब 400 से ज्यादा जो रोड हैं वो अवरुद्ध हो चुकी हैं। इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी जिन वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनका जो कनेक्टिविटी है वो मुख्यालय से संपर्क उनका टूट गया है, और उसको खोलने का जो है उसको सुचारू करने का राहत कार्य वो लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। इसके अलावा पहाड़ों पर हो रही बारिश का सीधा असर जो नदियों पर पड़ रहा है, नदी का जलस्तर चाहे वो अलकनंदा हो, गंगा हो, टोंग हो, सोंग हो, तमाम जो नदियां हैं उत्तराखंड में उनका सभी का जो जलस्तर है वो फिलहाल बढ़ गया है, और उससे दिक्कत जो तराई वाले क्षेत्र हैं उसमें बढ़ गई है। हरिद्वार से नीचे जो लखतर क्षेत्र है, लखतर में फिलहाल जो है बाढ़ जैसे हालात हैं, कई गाँव को आसपास जो नदी के आसपास गाँव पड़ते हैं उनको खाली कराया गया है, सेना वहां पर डिप्लॉय की गई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार कल से ही वहां पर जो है रेस्क्यू कर रही हैं, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। तो इस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। बारिश अभी भी लगातार जारी है। रेस्क्यू में जो बारिश, जो खराब मौसम है वो भी कहीं ना कहीं चुनौती बनकर सामने आ रहा है, लेकिन
के मद्देनजर लोगों को रेस्क्यू और लोगों को बाहर निकालने का काम वहां से किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद इस पर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कल देर शाम उन्होंने एक बैठक भी की और साथ ही जो अभी जो राहत पैकेज भी एक केंद्र से दिया गया है, करीब 413 करोड़ का एक राहत पैकेज भी मिला है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है। लेकिन पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल चाक चौबंद है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हरिद्वार के लक्सर है वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अभिषेक यहाँ पर देखिए, हालांकि प्रशासन की बात कर ली जाए, प्रशासन पूरी तैयारी करते नजर आ रहे हैं, फिर भी क्योंकि लैंडस्लाइड की भी दिक्कत काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और पर्यटक भी काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं। फिर चाहे यहाँ पर कांवड़ियों की बात कर ली जाए, क्योंकि ये सावन का पूरा महीना है तो कांवड़िया भी भारी मात्रा में पहुंचते हैं। अब इन सबको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, क्या कुछ अहम चीजें या फिर इस बार कोई अलग नियम यहाँ पर बनाया गया हो या तैयारी कुछ अलग देखने को मिल रही है उत्तराखंड में, क्योंकि स्थिति तो हमेशा ऐसी होती है यहाँ? बिल्कुल, देखिए स्थिति लगातार पहाड़ों में और खासतौर पर उत्तराखंड में बरसात के दिनों में ऐसी ही होती है, लेकिन इस बार जो है जैसे एसडीआरएफ की चौकियां हैं उनपे चौकियों की संख्या है फिलहाल वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा देखिए जैसे आपने कहा कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, सरकार की पहली प्राथमिकता है चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, इसके अलावा कांवड़िए जो आते हैं यहाँ पर उनकी सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को जो जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनको छुट्टी ना करने के निर्देश दिए गए हैं, सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की छुट्टी भी कल देर शाम जो है रद्द कर दी गई है। अब किसी भी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए हालांकि प्रशासन पूरी तैयारी में, सरकार पूरी तैयारी में, यही उम्मीद जताई जा रही है कि स्थिति खराब ना हो। आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी तमाम अपडेट साझा करने के लिए। चंद्रमणि आप नजर बना के रखिएगा, और भी विषयों पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे खबरों में।